गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू TSN एजुकेशन चैनल। टुडे वी विल डू क्लास 8 हिस्ट्री चैप्टर 5। व्हेन पीपल रिबेल 1857 एंड आफ्टर, कम टू द पेज नंबर 62। द खुर्दा अपराइजिंग, द खुर्दा अपराइजिंग ऑफ केस स्टडी। मच बिफोर द इवेंट ऑफ 1857 देयर हैड टेकन प्लेस अनदर इवेंट ऑफ अ सिमिलर नेचर एट अ प्लेस कॉल्ड खुर्दा इन 1817। 1857 के इवेंट से पहले एक सिमिलर ऐसा ही इवेंट 1817 में खुर्दा प्लेस पर हुआ था। हेयर इट वुड बी इंस्ट्रक्टिव फॉर अस टू स्टडी दैट इवेंट and reflect on how resentment against the colonial policies of the British had been building up since the beginning of the 19th century in different parts of the country। इस केस की स्टडी, इस इवेंट की स्टडी हमारे लिए इंस्ट्रक्टिव है, क्योंकि यहाँ पर हम देखेंगे कि 19th सेंचुरी के में कंट्री के डिफरेंट पार्ट्स में ब्रिटिशर्स की जो भी कॉलोनियल जो रूल था, कॉलोनियल पॉलिसी के अगेंस्ट किस तरह से रिसेंटमेंट स्टार्ट हुआ था। खुर्दा अ स्मॉल किंगडम बिल्ट अप इन द लेट 16th सेंचुरी इन द साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द उड़ीसा। खुर्दा एक स्मॉल किंगडम जो कि 16th सेंचुरी में उड़ीसा के साउथ ईस्ट पार्ट में बिल्ट किया गया था। वॉज अ पॉपुलर्स एंड वेल कल्टिवेटेड टेरिटरी, ये एक पॉपुलर्स और वेल कल्टिवेटेड टेरिटरी थी। कंसिस्टिंग ऑफ 105 गढ़, 60 लार्ज एंड 1109 स्मॉल विलेजेस द बिगनिंग ऑफ द 19th सेंचुरी। 19th सेंचुरी के स्टार्टिंग बिगनिंग में ही यहाँ पर ये काफ़ी पॉपुलस टेरिटरी थी और वेल कल्टिवेटेड थी। यहाँ पर यह उपजाऊ भी काफ़ी थी। यहाँ पर 105 गढ़ थे, 60 लार्ज और 1109 स्मॉल विलेजेस थे। इट्स किंग राजा वीर किशोर देव हैड टू अर्लियर गिव अप द पोजिशन ऑफ फोर परगनाज, द सुप्रिटेंडेंस ऑफ द जगन्नाथ टेम्पल एंड द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ 14 गढ़ टू द मराठास अंडर कंपल्शन। मराठास के कंपल्शन से दबाव में आकर जो ये थे राजा वीर किशोर देव, इन्होंने अपने फोर परगना और जगन्नाथ टेम्पल की सुप्रिटेंडेंस जो थी और 14 गढ़ का एडमिनिस्ट्रेशन उन्हें दे दिया था। हिज सन एंड सक्सेसर मुकुंददेव सेकेंड वॉज ग्रेटली डिस्टर्ब विद हिज लॉस ऑफ फॉर्चून। उनके जो मुकुंददेव सेकेंड थे, उनके सन और जो सक्सेसर थे मुकुंददेव, वे इस तरह के लॉस ऑफ फॉर्चून से काफ़ी डिस्टर्ब थे। देयरफॉर सेंसिंग एन अपॉर्चुनिटी इन द एंग्लो मराठा कॉन्फ्लिक्ट, और उन्होंने एंग्लो मराठा जो कॉन्फ्लिक्ट थी इसमें एक अपॉर्चुनिटी को देखते हुए ही हैड एंटर्ड इनटू नेगोशिएशन विद द ब्रिटिश टू गेट बैक हिज लॉस्ट टेरिटरीज एंड द राइट ओवर द जगन्नाथ टेम्पल। उन्होंने ब्रिटिशर्स के साथ नेगोशिएशन मीन्स बातचीत की और जो भी उनके लॉस्ट टेरिटरीज थी और जगन्नाथ टेम्पल के राइट्स थे, इस बारे में उन्होंने ब्रिटिशर्स के साथ मराठा के अगेंस्ट बात की। बट आफ्टर द ऑक्यूपेशन ऑफ उड़ीसा इन 1803, जब उन्होंने 1803 में जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने उड़ीसा को अपने अधिकार में ले लिया था, द ब्रिटिश शोड नो इंक्लाइनेशन टू ऑब्लाइज हिम ऑन अदर स्कोर। उन्होंने ये जो दो बातें थी, इन दोनों में कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिखाया और इन अलायंस विद अदर फ्यू डायरेक्टरी चीफ ऑफ उड़ीसा एंड सीक्रेट सपोर्ट ऑफ द मराठास, और मराठास और जो ये थे मुकुंददेव, इन्होंने मराठास का सीक्रेट सपोर्ट लेकर और उड़ीसा के कुछ ऐसे फ्यूडेट्री मीन्स होता है जमींदार, उनको अपने साथ में लेकर एक रिबेल के लिए वे तैयार हुए। कॉन्सिक्वेंटली इन अलायंस विद अदर फ्यूडरल चीफ्स ऑफ उड़ीसा इन सीक्रेट सपोर्ट ऑफ द मराठास ही ट्राई टू असर्ट इज राइट्स बाय फोर्स। उन्होंने अपने जितने भी अधिकार थे वो फोर्सफुली लेना स्टार्ट किया। दिस लेड टू हिज डिपोजिशन एंड एनेक्शन ऑफ
इस टेरिटरी, उनके इस तरह के वर्क को, इस तरह के जो उन्होंने राइट्स फोर्सफुली लिए थे, सिर्फ ब्रिटिशर्स ने उनकी जो टेरिटरी थी वो अपने कंट्रोल में ले ली। एज अ मैटर कंसोलेशन ही वॉज ओनली गिवन द राइट ऑफ मैनेजमेंट ऑफ द जगन्नाथ टेम्पल। उन्हें कंसोलेशन की तरह, एक सांत्वना की तरह जगन्नाथ टेम्पल के मैनेजमेंट के कुछ राइट्स दिए गए थे। ग्रांट अमाउंटिंग टू ए मेयर 1/10 ऑफ द रेवेन्यू ऑफ इस फॉर्मर स्टेट। और जो उनके पहले स्टेट से उन्हें जो रेवेन्यू कलेक्ट करते थे उससे ये जो अभी टैक्स उन्हें जो राइट्स दिए गए हैं उसका 1/10% ही अमाउंट उन्हें टैक्स की तरह मिल रहा था। हिज रेजिडेंस वॉज फिक्स्ड एट पुरी, और उनका रेजिडेंस जो थे पुरी में फिक्स कर दिए गए थे। द अनफेयर सेटलमेंट कमेंस्ड एन एरा ऑफ ऑप्रेसिव फॉरेन रूल इन उड़ीसा। उड़ीसा में एक इन इस अनफेयर सेटलमेंट के कारण एक फॉरेन जो रूल था उसमें एक ऑप्रेसिव एरा की स्टार्टिंग हुई उड़ीसा में, एक जो युग की विद्रोह वाले युग की स्टार्टिंग हुई, विच पेव द वे फॉर अ सीरियस आर्म अपराइजिंग इन 1817। ये एक वे तैयार हो रहा था जिसमें कि आर्म्ड अपराइजिंग 1817 में एक रिबेल स्टार्ट हुआ। सून आफ्टर टेकिंग ओवर खुर्दा, इसके बाद खुर्दा पर को ओवरटेक करने के बाद ब्रिटिश फॉलोड ए पॉलिसी ऑफ रिज्यूमिंग सर्विस टेन्योर। उन्होंने टैक्स कलेक्ट करने की पॉलिसीज को स्टार्ट किया। बिटरली अफेक्टेड द लाइफ ऑफ द एक्स मिलिटिया ऑफ द स्टेट द पाइक्स। और उसके बाद वहाँ के जो एक्स जो मिलिट्री मैन होते थे उनको पाइक कहा जाता था, वो बहुत ज़्यादा तरह से अफेक्टेड हुए थे, उनकी लाइफ बहुत अफेक्ट हुई थी। द सेवरिटी ऑफ द मेजर वॉज कंपाउंडेड ऑन अकाउंट एंड अनरीजनेबल इंक्रीज इन द डिमांड ऑफ रेवेन्यू। और कंटिन्यू होने वाली जो रेवेन्यू है उसको इंक्रीज किया जा रहा था। एंड ऑल्सो द ऑपरेसिव वे ऑफ इट्स कलेक्शन, और उसको कलेक्ट करने का जो वे होता था, रेवेन्यू कलेक्ट करने का जो वे होता था वो भी काफ़ी ऑपरेसिव था। कॉन्सिक्वेंटली देयर वॉज लार्ज स्केल डिजर्शन ऑफ पीपल फ्रॉम खुर्दा बिटवीन 1805 एंड 1817। इसीलिए 1805 से 1817 तक खुर्दा में बहुत से लार्ज स्केल पर जो पीपल थे उन्होंने वहाँ से डिजर्शन किया था, वहाँ से अपनी जगह को छोड़कर चले गए थे। येट द ब्रिटिश वेंट फॉर ए सीरीज ऑफ शॉर्ट टर्म सेटलमेंट्स ईच टाइम इंक्रीजिंग द डिमांड्स, नॉट रिकॉग्नाइजिंग एदर द प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ द लैंड और पेइंग कैपेसिटी ऑफ द राइट्स। यहाँ पर राइट्स जो थे, जैसे जैसे ये जो सेटलमेंट्स थे वहाँ पर रेवेन्यू की डिमांड्स इंक्रीज़ हो रही थी और जो राइट्स थे उनके पे करने की कैपेसिटी नहीं थी फिर भी, और जो लैंड थी वो फर्टाइल नहीं रह गई थी, प्रोडक्टिव नहीं थी, फिर भी जो टैक्स थे वो कंटिन्यू कलेक्ट किए जाते थे। नो लीनियंसी वॉज शोन एवन इन केस ऑफ नेचुरल कैलेमिटीज़। यहाँ तक कि जो नेचुरल कैलेमिटीज़ होती हैं वहाँ पर भी किसी तरह की लीनियंसी शो नहीं की गई थी ब्रिटिशर्स की तरफ से। उन्होंने कोई भी आने वाली प्राकृतिक जो आपदा होती है उसमें कोई भी लीनियंसी शो नहीं की थी। विच उड़ीसा वॉज फ्रीक्वेंटली प्रोन टू, जो कि उड़ीसा में नेचुरल कैलेमिटीज़ होती रहती हैं।